साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट फ्रेंड कुमार सत्यम। स्वागत करता हूं आपका फिर से मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल रुद्र मेडिटेशन में। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों अगर जिंदगी में धन की अगर परेशानी आ रही है तो इसका सीधा से संबंध है कि आपका शुक्र कमजोर है, और शुक्र के कमजोर होने पर हमारी जिंदगी में धन से संबंधित, प्रेम से संबंधित ऐसी परेशानी आने लगती हैं। साथ ही साथ यदि त्वचा में कुछ रोग हो रहा है आपको, अगर कुछ दाने निकल रहे हैं, स्किन रिलेटेड कोई भी यदि आपको परेशानी है तो आप समझ जाइए कि आपका शुक्र कमजोर है। तीन ऐसे दोस्तों संकेत मिलते हैं जब शुक्र अपना कमजोर होने का संकेत देता है। एक तो यदि आपको धन से संबंधित परेशानी है, दूसरा आपका धन आ रहा है लेकिन घर में बरकत नहीं है, बिना वजह ही धन खत्म हो रहा है, यह वहां जा रहा है, और तीसरा दोस्तों कि आपकी स्किन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होगी, तो आप समझ जाइए कि आपका शुक्र कमजोर है। तो कुछ ऐसे उपाय कर लेना चाहिए शुक्र के, जिससे शुक्र को आप मजबूत कर पाए, क्योंकि शुक्र ही है जो लग्जरी का कारक है। लग्जरी लाइफ, भौतिक सुख जितने भी इस दुनिया में, सब कुछ दोस्तों शुक्र के ही कृपा से मिलता है। और शुक्रवार का दिन भी मां लक्ष्मी का दिन होता है, तो मैं आपको एक ऐसा खास छोटा सा उपाय बताऊंगा जो आपको सोते हुए करना है। बहुत ही छोटा सा उपाय है, आप डेली कर सकते हैं, और उपाय में दोस्तों इतनी ताकत है कि अगर ये अपने होने का, यानी कि ये काम कर रहा है आपकी जिंदगी में, ये आपको संकेत देने लगेगा कि हाँ ये आपकी लाइफ में वर्क कर रहा है। और जब किसी चीज का हमें संकेत मिलने लगता है, हमारा विश्वास और भी मजबूत हो जाता है। तो दोस्तों उपाय बहुत ही छोटा है, आप करेंगे तो आप देखेंगे कि हाँ आपको इसमें लाभ प्राप्त हो रहा है। लेकिन दोस्तों उससे पहले सावधानी आपको ये रखनी है कि आपको पूरा विश्वास रखना है तभी इस प्रयोग को करें, क्योंकि बिना विश्वास के कोई भी प्रयोग कर लें, आजमाने के लिए प्रयोग करेंगे तो ये वर्क नहीं करते हैं। आप सोचेंगे कि चलो करके देखते हैं कितना असर होता है, ये आपको नहीं करना है। अगर सच में आपको विश्वास है कि हाँ ये वर्क करेगा, तो आप जरूर इस उपाय को करें, उसके बाद में देखें कि आपकी जिंदगी में चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, शुक्रवार के दिन ही इस प्रयोग को करना है। मैं दो उपाय आपको बताऊंगा जो सिर्फ और सिर्फ आपको, एक उपाय जो दूंगा तो शुक्रवार से आपको शुरुआत करनी है रात में सोते समय, और दूसरा उपाय जो दूंगा आपको सिर्फ शुक्रवार को ही करना है। हर शुक्रवार को आप इस उपाय को करेंगे, और दोस्तों इस उपाय को करने के बाद में आप अपनी लाइफ में देखेंगे कैसे चेंजेस आने लगे हैं, धन की परेशानी हमेशा के लिए दूर होती नजर आएगी आपको। तो आपको दोस्तों करना क्या है, आपको लेना है एक हरी इलायची, बिल्कुल हरी रहेगी, एकदम सुंदर सी दिखेगी, जो लगे कि हाँ बहुत ही प्यारी सी इलायची लग रही है, ऐसी आप एक इलायची ले लेंगे। साथ में आपको कपूर लेना है, अगर आपके घर में चांदी की कुछ कटोरी वगैरह है, डिब्बी वगैरह है, तो उसका यूज करें, अगर चांदी की नहीं है पीतल यूज कर लें, पीतल नहीं है तांबा, और तांबा भी नहीं है तो मिट्टी का यूज करें, स्टील वगैरह लोहे वगैरह का यूज ना करें, मिट्टी का बर्तन ले लें आप, मिट्टी का एक दिया ले लें, उसमें थोड़ा सा कपूर डाल लें और उसमें इस इलायची को जला दें, और जलाने के बाद में जब ये इलायची पूर्ण रूप से जल जाएगी, यानी कि राख हो जाएगी, तो आपको क्या करना है, आपको सोते समय पूरा काम दोस्तों यहां पर आज्ञा चक्र का है। आज्ञा चक्र कहां होता है, जहां पर बिंदी लगाई जाती है, आपको मेन पॉइंट पे ये काम करना है। आपको क्या करना है, इस इलायची का जो पाउडर निकलेगा, जो राख निकलेगी, ये टोटल ब्लैक होगी, बिल्कुल काली हो जाएगी, तो आपको क्या करना है, इसमें एक बूंदा इसमें आपको घी मिला लेना है। घी अगर गाय का मिल रहा है बहुत अच्छी बात है, अगर गाय का नहीं मिल पा रहा है तो आप कोई सा भी घी ले सकते हैं, लेकिन शुद्ध घी ही लें आप, कोशिश करें कि एकदम पवित्र हो, क्योंकि पवित्रता का बहुत ज्यादा इसमें महत्व रखता है। तो आपने क्या करना है, इसमें थोड़ा सा एक बूंद घी डालेंगे तो एकदम लिक्विड जैसा हो जाएगा, पेस्ट बन जाएगा। जब आप सोने जाने लगे तो आपको हाथ पैर धोकर के बिस्तर में जाना है, और इसका एक छोटा सा टीका अपने माथे में लगा लेना है, और आपको 11 बार मन ही मन में बोलना है ओम शुम शुक्राय नमः। दोस्तों 3 से 4 दिन में ये अपना असर दिखाना शुरू करेगा, और इस टोटके का सबसे बड़ा मतलब प्रभाव ये होता है कि आपको सपने में इस जो भी आपकी परेशानी है, वो सपने के माध्यम से आपको अपनी वो परेशानी खत्म होती नजर आएगी, या फिर आपको ऐसे माध्यम आपको दिखने लगेंगे कि हाँ मेरे पास में बहुत पैसा आ रहा है। अगर ऐसी चीजें आपको सपने में दिखाई देने लगे तो आप समझ जाइए कि ये अपना प्रभाव शुरू कर दिया है। अब बस आपको पूरी श्रद्धा लगन से इसको कंटिन्यू आपको करते जाना है,
दोस्तों उपाय बहुत ही शक्तिशाली है। जैसे आपने 3-4-5 दिन 7 दिन कर लिया इस उपाय को, तो आप देखेंगे कि आपको सपने में ऐसे माध्यम या फिर आप खुद अपने आपको ऊंचा, अपने एक ऊंचे लेवल पे पाएंगे। आपको आप अपने आपको देखेंगे कि मैं बहुत रिच होते जा रहा हूं, ऐसे सपने आपको आने लगेंगे। तो समझ जाइए कि ये प्रभाव अपना दिखाना शुरू कर दिया, कंटिन्यू इसको आप करना शुरू कर दीजिए। शुरुआत करेंगे शुक्रवार से, ये इसकी सावधानी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। दोस्तों बहुत से लोग क्या करते हैं, वीडियो को स्किप कर देते हैं, पूरी जानकारी प्राप्त नहीं करते हैं और बाद में बोलते हैं कि हमें वर्क नहीं कर रहा है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि वीडियो में एक एक जानकारी को अच्छे से समझा करें, एक एक बात को अच्छे से सुना करें, उसके बाद में किसी प्रयोग को किया करें। अब एक उपाय मैं दोस्तों और आपको बता रहा हूं कि आपने क्या करना है, शुक्र का जो स्थान होता है अंगूठे से नीचे, ये शुक्र पर्वत जो होता है यहां पे शुक्रवार से आपको शुक्र का जो स्थान है यहां पे आपको गुलाब का इत्र शुक्रवार से शुरू करना है। पर डे एक बूंद आपने इत्र लिया, पर डे नहाने के बाद में यहां पे इत्र लगा दें, इससे भी दोस्तों शुक्र बहुत मजबूत होता है। अब एक खास उपाय और मैं बता रहा हूं, इसको आपको सिर्फ शुक्रवार के दिन करना है। शुक्रवार के दिन आपने क्या करना है, आपने एक गिलास पानी लेना है, हो सके तो कांच की गिलास ले लें। कांच की गिलास लेने के बाद में आप अपनी पूजा स्थान में बैठ जाएं, जो दैनिक पूजा करते हैं उस पूजा को कंप्लीट कर लें। पूजा करने के बाद में आपको आधा घंटा, सिर्फ आधा घंटा अलार्म लगा लें, आधा घंटा तक आपको स्वयं मंत्र का, जो माता रानी मां लक्ष्मी का बीज मंत्र है, आपको इस मंत्र को पानी को देखते हुए आधे घंटे तक बोलना है, स्वयं 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 स्वयं, आधे घंटे में जितना जाप हो जाए। पर याद रहे दोस्तों सिर्फ शुक्रवार को करना है इस उपाय को, क्योंकि लक्ष्मी मां का बीज मंत्र है और मां लक्ष्मी के दिन ही आप इस उपाय को कर सकते हैं। इससे दोस्तों 2 या 3 शुक्रवार आप करेंगे तो आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा इसका, पूरी श्रद्धा विश्वास से करिएगा। और जैसे आपका आधे घंटे पूरे होते हैं तो आपको इस पानी को पी लेना है, क्योंकि पानी जो होगा प्रभावशाली हो जाएगा, आपके ऑरा में समा जाएगा और जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होगी वो आपके ऑरा से दूर हो जाएगी, भाग जाएगी और आप धन को अट्रैक्ट करने वाले मनी मैग्नेट बन जाएंगे, यानी कि धन खुद आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेगा। तो इस उपाय को करिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जय श्री काली जरूर लिखिए, इससे माता रानी की दया कृपा आपको प्राप्त होगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे।